गिफ्ट दे के गया, क्या है उसमें देखो। इसमें तीन कबूतर है। तीन है, कितने है देखो? तीन है, है? तीन है कि चार है देखेंगे, रुको देखो। माशाल्लाह गिफ्ट आया हुआ है, वाह बड़ा प्यारा है ना, माशाल्लाह। इसको छोड़ेंगे अभी इधर पे। रहीम अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह ताला का रहम करम और फजल के साथ आज हम अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। बड़ा ख़राब है पूरा, देखिए बारिश की तरह है। अभी शाम के 4:30 या 5 होने को हैं, लेकिन मौसम बड़ा ख़राब हो गया है। रेड अलर्ट दे दिया है हमारे तमिलनाडु को। बारिश तो सवेरे से बारिश चालू थी, अभी रुकी हुई है। अभी हम कबूतर को शाम के वक्त उनका चारा डालने के लिए आए हुए हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहा है। क्या हुआ? ये आपको कोई गिफ्ट देके गया? गिफ्ट देके गया? हाँ। क्या है उसमें देखो? इसमें तीन कबूतर है। तीन है, कितने है देखो? तीन है, हैं? तीन है कि चार है देखेंगे, रुको देखो। माशाल्लाह गिफ्ट आया हुआ है, वाह बड़ा प्यारा है ना, माशाल्लाह। इसको छोड़ेंगे अभी इधर पे। दो तीन चार है, और एक कबूतर भी गिफ्ट में आया है जो ऊपर ये बैठा हुआ है ना, ये भी। इसको जब ये आया था तब मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन अब जब वीडियो बना रहा था तभी आया। गिफ्ट आने चालू हो गए माशाल्लाह, गिफ्ट की वजह से 5 कबूतर अपने सेटअप पर आ गए हैं माशाल्लाह। लेकिन मौसम का देखिए, मौसम बड़ा सुहाना है, हरियाली देखिए आजू बाजू सब हरियाली और पूरा मोचा हुआ है। कब बारिश पड़ेगी ये नहीं मालूम, कब रुकेगी ये भी नहीं मालूम। सूरज सवेरे से निकला ही नहीं था, ऐसा ही मुचा हुआ ही है। सवेरे से बारिश चालू थी, अभी रुकी हुई है। देखिए जो नया कबूतर है ना, पानी पीने के लिए आ गए, अभी पानी पी रहे हैं जो नए कबूतर थे वो। हमारा जाकू भी ना गया उनके साथ। राजू थोड़ा चारा डालना उनको। इधर पे भाई डाल, चारा खत्म हो गया, देखो कहीं उड़ ना जाए। इधर पे जाओ, जो उधर से उनको भी लेके आओ, इधर से आ जाओ। नहीं 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 नहीं, उन लोगों को जो भैया हैं उन लोगों को ऐसा जो पीछे से इधर सामने लेके आओ। हल्लू 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 हल्लू, धीरे धीरे से। हाँ आगे एक कबूतर के पास में छोड़ दो, देखो उड़ने की कोशिश करेंगे वो, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ माशाल्लाह, पिछली वीडियो में भी मैं बताया था इस कबूतर की आंख, दोनों आंख मूंछी गई थी, अभी धीरे धीरे करके खुल रही है आंख का। इसका जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो रहा है लगता है शायद, तभी तो सारे के सारे देखिए अभी पूरे चारा छीनने के लिए आ गए। अभी इनकी खुराक का टाइम है, देखिए जो नए थे ना वो भी आ गए। अभी धीरे धीरे करके सब कबूतर आ जाएंगे। शाम की खुराक के लिए पूरे कबूतर बाहर आ चुके हैं, देखिए। ये तीन कबूतर नए हैं जो हमें गिफ्ट में मिला था, वो उड़ने की कोशिश करते हैं।
उधर पे बाय उधर पे जाके बैठ के उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी तो नया है, लेकिन ये पानी पी रहा है, खुराक खा रहा है। लेकिन जो नए थे ना चार कबूतर, वो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर अंदर पे दो हैं, उन्होंने खा लिया, जो नहीं खाए वो अभी इधर हैं। ये जो नए आए ना, एक कबूतर देखो उसके छोड़ ही नहीं रहा है, उसके पीछे पीछे लगा हुआ है। माशाल्लाह। अभी हमारा सेटअप का दिखाता हूँ। बहुत दिनों से मज़दूर लोग नहीं आए थे, कल आए थे। देखिए ये बंदा था, वो लेवल कर दिया था, लेकिन आज बारिश की वजह से उन्होंने भी नहीं आया। क्या पता कल बारिश रुकेगी तो आएंगे, नहीं तो नहीं। अब इधर पे हम पूरा कवर करने का है, और उस जगह में मास्टर केज बनाना है हमको। और मास्टर केज जैसे ही बन जाएगा, जो घर पे है ना हमारे दो कन्नूर्स, स्मॉल कन्नूर्स, उनको भी लेके आके हम अपने मास्टर केज में रखेंगे। मास्टर केज का काम ख़त्म हो जाएगा ना, तो हम सारे परिंदे अपने मास्टर केज में भेज देंगे। कबूतर को उनका घर है, कबूतर का तो केज बन गया था, लेकिन जो हमारा मास्टर केज बनना है ना, उस मास्टर केज में कन्नूर रखेंगे, और भी कुछ कॉकटेल रखेंगे, और भी परिंदे लेके आके रखेंगे। फिर हमको इस बाजू के कोने के साइड में और भी केज बनाना है, ताकि हम वो केज में खरगोश लेके आ के रख सके, रैबिट। देखेंगे कब तक के काम ख़त्म होता है। मज़दूर लोग इतने दिन से नहीं आए, कल ही आए थे, आज बारिश की वजह से ना आए। मौसम तो बहुत ख़राब है, बारिश चल रही है, रेड अलर्ट दे दिया है। अगर से बारिश कल नहीं रहेगा तो फिर मज़दूर लोग आएंगे, देखेंगे क्या होता है। दुआ करना कि कल बारिश ना हो, ताकि मज़दूर लोग आके अपना मास्टर केज का काम ख़त्म कर सके। मास्टर केज का काम होने के बाद हम इस कबूतरों के केज में लाइट भी लगाना है, ताकि रात के वक्त अगर से हम ऊपर आएंगे तो कबूतर देखने के लिए आसान हो सके। इस केज में लाइट भी अटकाना है, और भी बहुत सारे काम बाकी हैं। मज़दूर लोग का इंतज़ार कर रहा हूँ, मिस्त्री लोग का। बहुत दिन से दीपावली करके बोल के रुक गए थे, फिर नहीं आए, फिर कल आए। देखिए इस जगह में बोला था ना, इस जगह में कोने में है ना, इस जगह में हमको रैबिट का घर बनाना था। देखेंगे इंशाल्लाह। अपने मुर्गे हैं देखिए, ये काले वाले तीन मुर्गे के बच्चे, और जो हमारे दोस्त के पास ले आए थे ना, दो मुर्गी और एक मुर्गा। मुर्गा तो गुम हो गया, सिर्फ अभी दो मुर्गियाँ बची हैं। ये मुर्गी को भी पॉम में कुछ मार लग गया है, ठीक से नहीं चलती, देखिए क्या हुआ नहीं मालूम। और ये मुर्गी जो है ना, वो अंडे दे रही है। अभी दिखने में तो ये वाली मुर्गी जो है वो बड़ी दिख रही है, वो छोटी दिख रही है, लेकिन वो मुर्गी मुर्गी अंडे देती है, ये वाली नहीं दे रही है अभी। वजह से हम घर पे आ गए हैं। आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद शुक्र को दीजिए इजाज़त। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आपके हर एक जायज़ खुशियों को कबूल करे। अल्लाह ताला आपको हर एक परेशानी से दूर करे। अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा दे। आमीन सुम्मा आमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।